आज की वीडियो में हम लोग भर वन, भर टू और भर थ्री के बात करेंगे। ऐसे भर के बारे में बात करेंगे जिसका अंतिम लेटर वाई हो, ऐसे भर के बारे में बात करेंगे जिसका अंतिम लेटर वाई हो, तो उसका भर टू और भर थ्री आसानी से कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रिक से बनाते हैं, क्योंकि सारा कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो V1, V2 और V3 का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक तरीका बनाया हूँ जिससे बताता हूँ कि लास्ट में अगर E रहेगा तो क्या लगाएंगे, Y रहेगा तो क्या लगाएंगे। तो बहुत सारे मैं वीडियो बनाता हूँ और इससे पहले मैं बताया था, रिकॉर्ड वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि अंतिम लेटर अगर वाई से स्टार्ट है तो उसको कैसे बनाएंगे V2 और V3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं सप्लाई, तो इसका अंतिम लेटर सिर्फ वाई नहीं लेंगे, एल वाई लेंगे। तो यहाँ पे अंतिम लेटर देखिए, यहाँ पे एल वाई है, देखिए उसी तरह यहाँ पे आर वाई है, यहाँ पे के वाई, यहाँ आर वाई, यहाँ पे आर वाई है, यहाँ ए वाई है, ए वाई है, ए वाई है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, इसको क्लियर करेंगे तो इस तरह से जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ए वाई वाला बनाएंगे। ए वाई वाला में क्या करेंगे, ए वाई जहाँ दिख जाए, अगर भर में कोई भी वर्ड हो जिसमें ए वाई दिख जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे ए वाई लास्ट लेटर दिख जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, आई डी लगाएंगे। ए वाई दिख जाएगा तो क्या लगाएंगे, आई डी। यहाँ पे लिख देते ए वाई दिख जाएगा तो क्या लगाएंगे, आई डी। और हमारा ए वाई के अलावा कुछ दूसरा लेटर दिख जाए जैसे एल वाई, आर वाई, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आई ई डी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अदर लेटर एल वाई दिख जाए तो आई ई डी लगाएंगे। तो यही एक ट्रिक है, तो इसको कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसको आप अंत तक देख सकते हैं। इसके बाद मैं ई के बारे में बताऊंगा कि अंतिम लेटर ई रहेगा तो उसका कैसे बनाएंगे। तो आसानी से हम लोग बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए वाई, ए वाई वाला है, तो ए वाई वाला कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट है ए वाई है ना, तो पे का बी टू और बी थ्री क्या होता है, पे का पेड होता है, सबको पता है पे का पेड होता है। जब भी बैंक में जाते हैं पैसे पे करने तो क्या लिखा जाता है, पेड लिखा जाता है। तो पे का होता है पेड, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट लेटर ए वाई था ना, ए वाई था तो लास्ट लेटर ए वाई था, तो इसमें सिर्फ वाई को हटाकर आई डी लगाना होता है, सिर्फ वाई को हटाकर। यहाँ पे मैं बताया हूँ कि ए वाई रहेगा तो आई डी लगाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए को भी हटा देंगे, ये को नहीं हटाना है, ए को लिखना ही है और उसके बाद वाई को हटा के आई डी लगाएंगे, इस तरह से पेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकेंड वाला देखते हैं, से से का जैसे हम लोग लिखेंगे, से का क्या लिखेंगे, एस ए, ए वाई है ना लास्ट में, तो ए वाई है तो सिर्फ वाई को हटाना, तो सिर्फ लास्ट लेटर वाई को हटा क्या लिखेंगे, आई डी। तो वी टू सेट हो जाएगा, वी थ्री भी सेट होगा, सेम सेम। अब थर्ड में देखेंगे ले, सेम कैसे इसमें भी ले, तो ए ले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई डी, लेट हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा लेट, सेम केस हो जाएगा यहाँ पे भी, तो उस इस तरह से बना सकते हैं। अगर ए वाई रहेगा तो फिर से बता रहा हूँ, अगर ए वाई रहेगा तो लास्ट में क्या लगा देंगे, आई डी। और इसके अलावा अगर दूसरा लेटर रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एल वाई तो आई आई डी लिखेंगे, जैसे एस यू डबल पी एल, और सिर्फ वाई को हटाना, दो लेटर देखना है लेकिन हटाना है एक ही लेटर वाई को, तो वाई हटा के यहाँ क्या करेंगे, आई ई डी सप्लाइट लिखेंगे, इस तरह से सप्लाइट लिखेंगे, तो आसानी से बना सकते हैं हम लोग। और ये वी थ्री में भी क्या होगा, सप्लाइट हो जाएगा, सेम केस हो जाएगा, चाहे ए वाई को हटाकर कोई दूसरा लेटर हो जैसे एल वाई हो या आर वाई हो तो भी क्या लगाएंगे, आई ई डी, सिर्फ ए वाई रहेगा तो उसमें आई डी लगाएंगे। फिर से बता रहा हूँ कि अगर ए वाई दिख जाए तो आई ई डी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ वाई हटाना है, अगर अदर लेटर दिख जाए आर वाई एल वाई तो आई ई डी लगाएंगे, जैसे ट्राई, तो इसका क्या लिखेंगे, टी आर आई ई डी, ट्राइड। इसमें भी करेंगे टी आर आई ई डी, ट्राइड।
यहाँ पे अस्का है तो एस के लिखेंगे और वाई को हटा के क्या लिखेंगे, आई ए डी स्काइड, एस के आई ए डी स्काइड। उसी तरह क्राइड तो क्राइड का क्या लिखते हैं, सी आर, और वाई को हटा के क्या लिखते हैं, आई ए डी क्राइड। ये हमेशा ट्रांसलेशन में यूज होता है, ये जो है वाई वाला जो अंतिम लेटर वाई होता है, जिसे आप ट्रांसलेशन बुक देखे होंगे या कहीं पे भी देखे होंगे, तो जो वाई वाला हमेशा यूज होता है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा अधिकतर किताब में मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, और इससे हट के जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि इससे ज्यादा जो वाई से स्टार्ट होता है, वाई से एंड होता है, तो बहुत कम ही वर्ड मिलता है, इतना ही वर्ड काफी है। इतना वर्ड अगर आप वाई वाला बना लेते हैं तो काफी है। इसके बाद में ई से बताऊंगा कि ई का अंतिम लेटर ई रहेगा तो कैसे एंड होता है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आर वाई है, तो आर वाई तो यहाँ ड्राइड हो जाएगा, डी आर आई डी ड्राइड। इसमें भी क्या हो जाएगा, डी आर आई डी ड्राइड। तो अगर लास्ट में जितने भी वर्ड इस तरह से मिलेंगे तो सब में इसी तरह लगेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड है जिसमें लास्ट में ए वाई रहेगा, एल वाई रहेगा, तो उसमें नहीं लगेगा, लेकिन उस गिने चुने वर्ड है उसका जल्दी प्रयोग नहीं होता है, तो आप बेफिक्र होकर इसमें आई ए डी आई डी लगा सकते हैं। तो कुछ गिने चुने होते हैं तो बहुत कम ही हो जाता है, उसे गलती होने का चांसेस कम है। तो अगर इस प्रकार के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इससे रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।